नमस्कार साथियों आज की ये क्लास एम की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है और ऐसा नहीं केवल एम पी वालों के लिए फ़ायदा मिलेगा इससे अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप देखिए आपका यू सिविल सर्विस हो जाता है स्टेट पी आप देखते हैं एम बिहार पी राजस्थान छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश पी इस इस तरह की आपने देखा होगा कि यूपीएससी की तरह राज्यों में भी अपना एक स्टेट पीसीएस एग्जाम होता है या फिर आप देखिए कि राज्य के स्तर पर तमाम एग्जाम होते रहते हैं आप देखते होंगे दरोगा आप देखते होंगे कि आपका पटवारी जेल पहरी और आपने देखा होगा कांस्टेबल शिक्षक भर्ती और सेंट्रल लेवल पर आप देखते होंगे एस बैंक रेलवे इस तरह के तमाम एग्जाम होते हैं और आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके कम से कम पांच से छह साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए इस क्लास से आपको क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे और एम में तो आपने देखा है कि जो नया प्रस का सिलेबस आया हुआ है उसमें एक दसवीं यूनिट यूनिट टेन एक नाम ही दे दिया गया राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संविधानिक और सांविधिक निकाय के नाम से इसमें आपकी कुछ निकाय के नाम भी दिए गए हैं तो उन सब के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे और जो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं डब्लू टी ओ हो गया डब्लू एच ओ हो गया यू एन हो गया इस तरह के हम लोग तमाम संगठनों के बारे में बात किए हुए हैं फिर चाहे वो आपके राष्ट्रीय स्तर के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी एक प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसमें जाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी क्लासें विस्तार से मिल जाएंगी यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए कवर किया गया है और एक क्लास खासकर आप देखिए कि अगर आप एम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आप लोगों को बहुत जरूरी देख के देख कर जाना चाहिए मुझे लगता है तो सबसे पहले हम लोग भारत निर्वाचन आयोग की बात करते हैं और सबसे पहले आप लोगों को इसमें ये बात भी याद रखना चाहिए जो आपके राज्यों में चुनाव होता है ना आप देखते होंगे कि प्रधानी का सरपंची का आप देखते होंगे कि जनपद पंचायत जिला पंचायत या फिर आप देखते होंगे नगर पंचायत नगर नगर निगम नगर नगर निगम समझ रहे हैं इन सब के लिए चुनाव आयोग आपका हर राज्य में रहता है जैसे मध्य मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे और इसी तरह आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में आपको उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग देखने को मिलेगा जो स्थानीय जो भी चुनाव रहते हैं उनकी देखरेख करता है लेकिन जो आपकी विधानसभा विधान परिषद राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके चुनाव की देखभाल के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग होता है इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है ठीक है तो ये जरूर आप लोगों को याद रखना चाहिए तो सबसे पहले हम लोग भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं तो इसके जन्म पूछे अगर आपसे कि स्थापना कब हुई थी इसकी तो 25 कब 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी कब 25 जनवरी 1950 को और ये संविधानिक निकाय है आपको मालूम होना चाहिए कि संविधानिक निकाय कहने का मतलब होता है कि संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा और अगर आप लोग अनुच्छेद 324 सौ पढ़ेंगे ना आर्टिकल 324 आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसका वर्णन भी देखने को मिलेगा भारतीय निर्वाचन आयोग की व्याख्या कहाँ की गई है आर्टिकल 324 में और हम लोग अगर इसके आयुक्तों की बात करें जिसे आप लोग अध्यक्ष कह दीजिए तो 6 साल या पैंसठ वर्ष जो भी पहले हो इनका कार्यकाल रहता है और एक बात और इसमें याद रखिएगा कि जो छह साल और पैंसठ वर्ष कहने का मतलब होता है कि आप देखिए जो भी पहले हो मान लीजिए कि आपकी देखिए आप देखिए कि आपकी चालीस साल में आप देखिए कि क्या हो रही है आपकी नियुक्ति हो रही है तो आराम से आप लोग छह साल पूरा कर सकते हैं लेकिन मान लीजिए ले कि आपकी नियुक्ति चौसठ साल में हो रही है तो आप देखिए कि आप लोगों को जैसा ही पैंसठ साल होगा आपको पद छोड़ना पड़ेगा ठीक है तो जो भी पहले हो इनकी नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति करता है कौन करता है ट साहब करते हैं राष्ट्रपति साहब करते हैं इसमें एक तो आपको मुख्य आयुक्त देखने को मिलेगा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त देखने को मिलेंगे सुकुमार सुकुमार सेन सेन साहब साहब थे 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 कौन थे? आपके ठीक है और महिला महिला अध्यक्ष की बात करें तो वी एस रमा देवी थे तो इस नाम को भी याद रखिएगा और वर्तमान राजीव कुमार हैं ये पच्चीसवें नंबर के हैं कौन से पच्चीसवें नंबर पर हैं और निर्वाचन संबंधी कुछ समितियां हैं संथानम समिति उन्नीस में आई थी ये चुनाव से संबंधित है ताराकुंड समिति उन्नीस में आई थी सगधर समिति ये उन्नीस में आई थी और आप देखें गोस्वामी समिति उन्नीस में आई थी मोइली समिति दो हजार में रेड्डी समिति रेड्डी समिति ये आप देखेंगे दो हजार में और बर्मा समिति ये दो में आई थी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी समिति का संबंध चुनाव से संबंधित है या नहीं है तो आप लोगों को इनकी कंठस्थ मुझे लगता है याद होना चाहिए संथानम समिति उन्नीस में ताराकुंड उन्नीस सौ में सकधर समिति उन्नीस में गोस्वामी समिति उन्नीस में मोइली समिति 2007 में रेड्डी समिति 2011 में बर्मा समिति 2013 में ठीक है अब जैसा कि आप लोगों को बताया था कि आपके राज्यों में भी तो स्थानीय चुनाव होते हैं ना तो उसके लिए जैसे हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं आपके राज्य में जो भी चुनाव आयोग हो उसके बारे में एक कब स्थापना हुई एक सामान्य जानकारी याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग इसकी स्थापना एक फरवरी उन्नीस को हुई थी और इनका संविधानिक है क्या है संविधानिक निकाय है संविधान के अनुच्छेद में आपको इसका वर्णन देखने को मिलेगा इसका कार्यकाल भी छह साल और पैंसठ वर्ष जो भी पहले हो इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है आप लोग जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति देखते हैं ना उसी तरह से आप लोग मान लीजिए राज्यपाल ठीक है राज्यों में होता प्रथम अध्यक्ष श्री बी एन श्री एन बी लोहानी साहब थे और वर्तमान में श्री बसंत प्रताप सिंह बसंत प्रताप सिंह अब आप सभी को बताओ जैसा कि बताया कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी आप लोग देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पर और राज्य में देखते हैं आप लोग कि हर राज्य में स्टेट पी होता है तो संघ लोक सेवा आयोग की अगर स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें सदस्य संख्या दस है और एक अध्यक्ष आपको देखने को मिलेगा और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है कार्यकाल अध्यक्ष की बात करें तो छह जो कार्य अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल छ वर्ष या पैंसठ वर्ष जो भी पहले हो छह पैंसठ और इनके पद से हटाने की बात हो तो राष्ट्रपति द्वारा और स्वरूप इनका संवैधानिक निकाय है और अनुच्छेद तीन के तहत इसकी स्थापना की गई है अनुच्छेद तीन प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो सर रॉस वारकर ये प्रथम

भारतीय वन सेवा उन्नीस ये आप लोगों ने देखा होगा आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते होंगे तो आप तीनों के बारे में जानते होंगे आप लोग कई लोग कहते हैं कि हमें आई बनना है कई कहते हैं आई चाहिए कई करते हैं आर आई आर एस कह करते हैं अब जैसा कि एम पी पी एस सी के बारे में देख लीजिए मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में एक नवंबर उन्नीस सौ छप्पन में एम पी पी एस सी की स्थापना हुई थी जो आयोग है इसकी स्थापना और आप सभी जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश है एक बार आपको मध्य प्रदेश देखा देता हूं भोपाल इसकी राजधानी है इसकी भी स्थापना मध्य प्रदेश को भी राज्य एक नवंबर सन उन्नीस में छप्पन बनाया गया था ठीक है तो ये भी याद रखिएगा आप लोग और आप देखेंगे ये संविधानिक निकाय है बिल्कुल संविधानिक निकाय है नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है और इनका कार्यकाल छह वर्ष या बासठ वर्ष जो भी पहले हो छह बासठ छह बासठ जरूर याद रखिएगा और पद से हटाने की बात हो तो राज्यपाल नहीं हटाता है राष्ट्रपति हटाता है अनुच्छेद 315 के तहत गठन होता है और, थे। थे और है। है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जिसे आप लोग सी कह देते हैं कैक कह देते हैं तो इसकी स्थापना की बात करें तो अठारह में हुई थी अंग्रेजों के समय ही समझ रहे हैं आप लोग और लेकिन अभी वर्तमान स्वरूप की बात करें तो ये देखेंगे 26 जनवरी पचास को हुई थी ठीक है आजादी के बाद और आप सभी जानते हैं कि छब्बीस जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं और छब्बीस जनवरी उन्नीस को पूरी तरह से आपका संविधान भी लागू हो चुका था इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा ए आपका संविधानिक निकाय है सीएजी आपका संविधानिक निकाय है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और अनुच्छेद 148 आपका सीएजी से संबंधित है किससे सीएजी से संबंधित है नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है इसके कार्यकाल की बात करें तो छह साल या पैंसठ वर्ष जो भी पहले हो इसका कार्यकाल रखा गया है और प्रथम भारतीय अध्यक्ष अगर देखें तो भी नरहरी राव इसके प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान अध्यक्ष गिरीश चंद मुर्मो ठीक है गिरीश चंद मुर्मो ये बदलते रहते हैं तो जिस समय आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस समय आप लोग अपडेट करके जाय करिएगा वहीं अगर हम लोग नीति आयोग आयो की बात करें आप सभी जानते होंगे कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया हुआ था नीति आयोग तो एक जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी मुख्यालय इसका नई दिल्ली में देखने को मिलेगा इसमें एक अध्यक्ष देखने को मिलेगा एक उपाध्यक्ष देखने को मिलेगा एक सीईओ देखने को मिलेगा एक गैर संविधानिक क्या है गैर संविधानिक है संविधान के किसी आर्टिकल में आपको नीति आयोग का की बात नहीं की गई है कार्यकारी निकाय है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हमेशा आप देखिए इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहते हैं और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय आप देखिए प्रधानमंत्री के रूप में मोदी साहब थे और वर्तमान में भी मोदी साहब हैं तो इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में मोदी साहब हैं प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी हैं प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे और आप देखेंगे वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत हैं इन सब के बारे में जरूर याद रखिएगा अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में आप सभी जानते हैं जैसा कि मालूम भी होना चाहिए कि जब आपके अधिकारों का हनन होता है तो उसकी देखभाल के लिए राष्ट्रीय आयोग है इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अक्टूबर तिरानवे को इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और आप देखेंगे कि कार्यकाल इनका तीन वर्ष सत्तर साल जो भी पहले हो ठीक है राष्ट्रपति पद से हटाते हैं न किसी पद से हटाते हैं ये सांविधिक निकाय है न कि संविधानिक पिथंग अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा हैं अब राष्ट्रीय स्तर पर देख चुके हैं तो मध्य प्रदेश के स्तर पर देख लीजिए आप लोग राज्य स्तर पर हर राज्य में आपको देखने को मिलेगा तो मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की बात करें तो 12 सितंबर उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी 12 सितंबर उन्नीस और इसका मुख्यालय आपको पर्यावास भवन भोपाल में देखने को मिलेगा निकाय है ना कि संविधानिक इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है कार्यकाल तीन वर्ष या सत्तर साल जो भी पहले हो प्रथम अध्यक्ष खलील उल्लाह खान थे इसके प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान में है नरेंद्र कुमार जैन को नरेंद्र कुमार जैन फिर आता है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग तो आप देखेंगे कि इकतीस जनवरी उन्नीस को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी आप देखते हैं कि महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है उसके बाद आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग रिपोर्ट भी लेता है उसकी तो 31 जनवरी उन्नीस को इसकी स्थापना हुई और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम उन्नीस के तहत इसकी स्थापना हुई थी तो इस अधिनियम के बारे में जरूर याद रखिएगा इसका मुख्यालय आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा कार्यकाल की बात करें तो तीन साल या पैंसठ वर्ष जो भी पहले हो इसका कार्यकाल रखा गया है इसमें एक तो अध्यक्ष होता है और पांच आपको सदस्य देखने को मिलेगा सांविधिक निकाय है आप सभी जानते हैं कोई संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है अधिनियम के तहत आप देखिए इसकी स्थापना हुई प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो जयंती पटनायक प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष थी आपकी किसकी महिला आयोग की अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जयंती पटनायक पहली और वर्तमान में आपकी रेखा शर्मा है कौन है रेखा शर्मा अगर हम लोग मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की बात करें तो आप देखिए जो मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग है इसकी स्थापना 23 मार्च उन्नीस को हुई थी 23 मार्च उन्नीस को भोपाल में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा इसका कार्यकाल तीन वर्ष या पैंसठ जो भी पहले हो ठीक है तीन पैंसठ ये सांविधिक निकाय है और प्रथम अध्यक्ष कृष्ण कांता तोमर तोमर इसकी पहली अध्यक्ष थी और वर्तमान में शोभा ओझा इसके अध्यक्ष हैं शोभा ओझा एक अध्यक्ष होते हैं और छह सदस्य होते हैं इसमें ठीक है अगर हम लोग राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तो पांच मार्च पांच मार्च 2007 में इसकी स्थापना हुई थी सांविधिक निकाय है क्या है संविधानिक नहीं है सांविधिक निकाय है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा एक तो इसमें अध्यक्ष होता है छह सदस्य होते हैं और छह सदस्यों में आप देखिए दो महिलाएं अनिवार्य हैं और इनके कार्यकाल की अध्यक्ष की बात करें कि अध्यक्ष का कार्यकाल कितना रहता है तीन साल या पैंसठ वर्ष जो भी पहले हो और सदस्यों का भी तीन साल आप देखेंगे साठ वर्ष पैंसठ की जगह यहाँ साठ हो गया प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा थे कौन थे शांता सिन्हा और वर्तमान अध्यक्ष पियंक कानून गोए हैं ठीक है ये आप लोग जरूर याद रखिए वहीं अगर हम लोग मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना 2007 में हुई थी मुख्यालय भोपाल में देखने को मिल जाएगा कहां भोपाल में कार्य इसका अध्यक्ष का कार्यकाल आप देखेंगे तीन वर्ष या पैंसठ साल सदस्य का देखेंगे तो तीन वर्ष साठ साल जो भी पहले हो और ये सांविधिक निकाय है सदस्य संख्या आप देखेंगे एक या आप देखेंगे छः वर्ष जो भी पहले हो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं राघवेंद्र शर्मा कौन है राघवेंद्र शर्मा ये बदलते रहते हैं आप लोग जब भी पेपर देने जा रहे हो तो उस समय आप लोग जरूर अपडेट करके जाया करिएगा अब बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में कमी, आ, कमीशन के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति ना कि जनजाति तो आपको मालूम होना चाहिए कि उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी और 19 फरवरी 2004 में नवासी वे संविधान संशोधन के द्वारा प्रभावी में आया पहले आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग एक ही हुआ करता था ठीक है तो 19 फरवरी 2004 और संविधान संशोधन आपको याद रखना होगा अनुच्छेद 338 के तहत इसकी स्थापना की गई इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है 12 इसके क्षेत्रीय कार्यालय इसका कार्यकाल तीन वर्ष का होता है इसके अध्यक्ष का और एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष तीन अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं संविधानिक निकाय है क्योंकि आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद तीन में इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा वहीं अगर आप लोग देखें प्रथम अध्यक्ष तो सूरज भान थे और वर्तमान में विजय सांपला हैं तो सूरज भान विजय सांपला अगर हम लोग देखिए मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो उन्नीस में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जा, जाति आयोग बना था उन्नीस में, में इसका भोपाल में राज्य मुख्यालय देखने को मिलेगा एक अध्यक्ष दो आशासकीय सदस्य आपको देखने को मिलेंगे और नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है और कार्यकाल तीन साल का होता है कितना तीन साल और भूपेंद्र सिंह आर इसके अध्यक्ष हैं ठीक है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही पहले 19 फरवरी 2004 में इसकी स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2004 में अनुच्छेद ए के तहत इसकी स्थापना की गई है तो दो हजार चार में अनुदौ अड़तीसानिक तो आयोग है राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है इसके अध्यक्ष जो होते हैं सदस्य और संरचना में एक अध्यक्ष देखने को मिलेगा एक उपाध्यक्ष देखने को मिलेगा तीन सदस्य देखने को मिलेंगे नई दिल्ली में आपको मुख्यालय देखने को मिल जाएगा और क्षेत्रीय मुख्यालय इसके भोपाल सिलांग रायपुर भुवनेश्वर जयपुर रांची और मैं देखने को मिल जाएंगे इनके कार्यकाल आप देखेंगे तीन वर्ष और अधिकतम कार्यकाल दो कार्यकाल हो सकते हैं ठीक है दो कार्यकाल के लिए तीन के बाद आप देखिए तीन साल आपका हो जाता है उसके बाद एक बार आप लोग और चुने जा सकते हैं संविधानिक निकाय है और प्रथम आप देखेंगे आपके अनुसूचित जनजाति आयोग की तो इसके अध्यक्ष क्या प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह टेक, टेकाम और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हर्ष चौहान है कौन है हर्ष चौहान एकमात्र महिला अध्यक्ष सिंह थी और सिंह और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई थी 29 जून उन्नीस में 29 जून उन्नीस माफ करिए पंचानवे कब 29 जून उन्नीस देखिए मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को सही जवाब बताया जाए सही आंसर बताया जाए सही जानकारी दी जाए लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती है तो मैं भी इंसान हूँ तो उसके बारे में अगर गलती होती तो आप लोगों को मालूम चले तो नीचे सुधार के लिख दिया करिएगा और मुख्यालय इसका भोपाल में है कहाँ भोपाल में है एक अध्यक्ष दो सदस्य होते हैं इनका पदावधि तीन साल की होती है नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और अध्यक्ष के नरेंद्र मरावी मरावी ये पहले थे और वर्तमान में गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी है ठीक है वर्तमान में इसके अध्यक्ष पहले थे नरेंद्र मरावी ठीक है अगर हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें ओबीसी की तो आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना ए, आ, अगस्त उन्नीस सौ तिरानवे में हुई थी चौदह अगस्त उन्नीस में अगस्त 2018 में एक संविधान संशोधन हुआ था और अनुच्छेद 338 बी के तहत इसे संविधानिक आयोग बनाया गया है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा नियुक्ति राष्ट्रपति साहब के द्वारा होती है इसके अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल का होता है अधिकतम दो कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है इसकी संरचना देखें तो एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष तीन अन्य सदस्य में शामिल होते हैं यह संविधानिक निकाय है और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो न्यायमूर्ति आर एन प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष थे वर्तमान में डॉक्टर भगवान लाल साहनी इसके अध्यक्ष हैं वहीं अगर हम लोग राज, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो आप देखेंगे कि उन्नीस तो में मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी यहां एक अध्यक्ष संरचना में एक उपाध्यक्ष तीन अन्य सदस्य देखने को मिलेंगे अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन थे गौरी शंकर बिसेन इसके अभी वर्तमान में है केंद्रीय सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग इसकी स्थापना आप देखेंगे 12 अक्टूबर 2005 में की गई थी इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा ये संविधानिक निकाय नहीं है निकाय है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आया हुआ था उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी और जो आर के बारे में आप लोग सुनते हैं ना राइट टू इन्फॉर्मेशन इसके तहत आपने देखा होगा कि आप लोग सूचना मांग सकते हैं किसी भी ऑफिस से और आपने अगर इसका उपयोग किया होगा तो आप लोग इसकी इसकी ताकत जानते होंगे अगर आप देखिए कि नहीं जानते हैं तो एक बार आप लोग करिए अपने सरपंच के खिलाफ करिए आप लोग जो सरपंच आप देखिए जिसके पीछे आप लोग अगर दौड़े फिर रहे होंगे नेता के पीछे वो आपके पीछे दौड़ा फिर इतनी शक्ति है इसमें और तीन वर्ष या पैसठ वर्ष जो भी पहले हो इसका कार्यकाल रहता है इसके अध्यक्ष का और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे इसके और आप देखेंगे प्रथम महिला दीपक संधू वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा है वर्तमान में और मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की बात करें तो 2005 में इसकी स्थापना हुई थी भोपाल में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा सांवैधिक निकाय है सांविधिक और इसका कार्यकाल तीन वर्ष या पैंसठ साल जो भी पहले हो राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त टी एन श्रीवास्तव थे और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश में अरविंद कुमार शुक्ला हैं अरविंद कुमार शुक्ला केंद्रीय सतर्कता आयोग सी और तो इसकी स्थापना आप देखेंगे 11 फरवरी 1964 में हुई थी ग्यारह फरवरी उन्नीस में हुई थी और आप देखेंगे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा कहाँ नई दिल्ली में और निकाय है राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और के संथानम समिति इसी से जुड़ी हुई है के संथानम समिति आप लोग जरूर याद रखिए केंद्रीय सदस्यता आयोग से और इसका कार्यकाल चार वर्ष या पैसठ वर्ष जो भी पहले हो और इसमें एक अध्यक्ष होता है दो सदस्य होते हैं प्रथम सतर्कता आयोग की बात करें तो एन एस राव थे एन एस राव और वर्तमान में इसके सतर्कता आयोग कौन है सुरेश एन पटेल तो ये भी आप लोग याद रखिएगा फिर आप देखेंगे कि हरित राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग एनजीटी जिसे आप लोग कहते हैं ये भी काफी चर्चा में रहता है 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 में और 5 साल 5 साल इसका कार्यकाल रहता है इसके अध्यक्ष का दिल्ली दिल्ली में इसका मुख्यालय है और क्षेत्रीय मुख्यालय भोपाल भोपाल, पुणे कोलकाता चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा एक अध्यक्ष होता है अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं सांविधिक और स्वतंत्र निकाय संविधानिक सांविधिक और स्वतंत्र निकाय है और प्रथम अध्यक्ष इसके न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर सिंह पंटा थे और वर्तमान में अध्यक्ष इसके न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल हैं ठीक है टीके? और भारत विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण करने वाला तीसरा देश बना है इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और दूसरा न्यूजीलैंड था ठीक है तो ये भी याद रखिएगा मध्य प्रदेश खाद्य राज्य मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग क्योंकि इससे भी तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी स्थापना इक्कीस जुलाई 2017 में हुई थी प्रदेश खाद्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत इसकी स्थापना की गई थी यह सांविधिक निकाय है मुख्यालय इसका भोपाल में देखने को मिलेगा इसके कार्य अध्यक्ष की बात करें तो पांच वर्ष या पैंसठ वर्ष जो भी पहले हो और राजकिशोर स्वाय स्वाई ए, ए क्या है अध्यक्ष है तो ये भी याद रखिए खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में जान लीजिए आप लोग तो 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित हुआ था इसका उद्देश्य एक गर्मियापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना कराती हुई उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी का पचहत्तर प्रतिशत और शहरी आबादी का पचास प्रतिशत के कवरेज में आता है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के सड़सठ प्रतिशत हिस्से को कवर करता है फिर आता है वित्त आयोग पैसे की भी तो जरूरत होती है तो इसकी स्थापना आप देखेंगे 22 नवंबर उन्नीस सौ उन्नीस सो कान, इंक्यावन में कब वित्त आयोग को आप लोग सुनते हैं 22 नवंबर उन्नीस में यह संविधानिक निकाय है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 280 में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है और आप देखेंगे इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है एक अध्यक्ष चार सदस्य इसमें शामिल होते हैं कार्यकाल पांच साल का होता है इनका और प्रथम थे के सी नियोगी ठीक है और अभी एन के सिंह है वर्तमान में और मध्य प्रदेश में वित्त आयोग का गठन आप देखेंगे 14 जून उन्नीस को किया गया था ये भी आप लोग याद रखिए 14 जून उन्नीस को उन्नीस को ठीक है मध्य प्रदेश में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई थी इस तरह से आपकी कुछ महत्वपूर्ण जो आप देखिए एम पी में जिनकी बात की गई है और जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने की बात की गई है उनके बारे में हम लोगों ने एक ओवरव्यू ले लिया है और मुझे लगता है कि प्रेलम्स में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से आप लोग जवाब दे पाएंगे और अगर आप लोगों को विस्तार से पढ़ना है तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्ले सूची बनी हुई है उसमें आपके चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों सब के बारे में हम लोग विस्तार से बात किए हुए हैं तो वहाँ आप लोग जाकर जरूर देखिएगा ठीक है